मैं आपको बता रहा हूँ, जो डीएनए से, ठीक है, डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है, डीएनए से जो आरएनए बनने की प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है। और जब आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन। समझ में आया आपको, डीएनए से आरएनए तो क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है वो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखिए ये कैसे ट्रांसक्रिप्शन कैसे काम करती है, सेल सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए क्या करता है, आरएनए को बनाएगा, न्यूक्लियस कंट्रोल ऑफ द सेल, सबसे छोटी जो कोशिकाएं होती है बनाने वाली वो क्या होती है, न्यूक्लियस होती है, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। और प्लांट सेल में प्लांट में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दो ही होती है, ठीक है, डीएनए होता है प्लांट में, न्यूक्लियस में और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, आपका डीएनए होता है, ठीक है। और किसी भी चीज़ के अंदर आपका डीएनए नहीं पाया जाता, सिर्फ किसके अंदर पाया जाता है, प्लांट के अंदर, प्लांट में, ठीक है, प्लांट में न्यूक्लियस भी पाया जाएगा और आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल नाम दिया जाता है वो भी पाई जाती है। राइजोबोम क्या होता है, आरएनए के बने होते हैं, राइजोबोम आरएनए के बने होते हैं, आरएनए को क्या कहते हैं, आरएनए अपने बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन जो होती है ये क्या होती है, फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन को क्या कहा जाता है, बॉडी के अंदर फैक्ट्री ऑफ द सेल, जो क्या करती है अपनी बॉडी के जो कोशिकाएं होती हैं उसको क्या करती है, अलग अलग हिस्सों तक प्रोटीन को पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल।